महीनों से राहगीरों के लिए मुसीबत बना गड्ढा, रोज दर्जनों लोग चुटे होते समस्याओं के समाधान के लिए विभागों को सूचित कर रहे पूर्व पार्षद समीम आजाद। आज उन्होंने एक नए अंदाज में केक काटकर राहगीरों को खिलाकर गड्ढे की रिपेयरिंग करवाने के लिए विभागों को चिताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गड्ढा दिखाकर 5 साल का विकास याद दिलाया। क्या नाम है आपका? हाजी समीम आजाद, पूर्व पार्षद जाजमऊ। आज आपने केक काटा, किस लिए काटा, क्या वजह? केक इसलिए काटा कि योगी महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त बना दिया है, उसी की प्रसन्नता में आज केक काटा गया। योगी बाबा 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने पूरे प्रदेश को गड्ढा बना दिया। आज ये जाजमऊ नई चुंगी है, पुलिस चौकी के सामने ये गड्ढा है, ये महीनों से गड्ढा है। 2 दिन पहले मैंने सरकार को अवगत कराया था, GM को, उसके बाद भी गड्ढा नहीं बनाया गया। और आज ठंडी का दिन है, आज कम से कम 20 से 25 लोग इस गड्ढे से आगे स्लिप करके चुटिल हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कानपुर महाप्रबंधक को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। नमामि गंगे वालों से बात किया, उन्होंने बोला कि लीकेज है, ये जल संस्थान वाले बनाएंगे। तो ये कौन बनाएगा ये मैं जानना चाहता हूँ। ये जो गड्ढा है जिससे हजारों लोग डेली इसमें चुटिल हो रहे, इसको कौन बनाएगा? योगी बाबा, यही आपका विकास है? यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है, यही विकास है? यहाँ पे बगल में चौकी है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, यहाँ पे LIU के लोग रहते हैं, क्या किसी को कान में सुनाई नहीं देता, यहाँ से दिखाई नहीं देता? यहाँ कोई हेलमेट नहीं लगा रखा है तो उसका चलान काटा जाता है, और इसी रोड पे लोग स्लिप करके गिर रहे हैं, जिनकी हमारे पास फोटो है, वीडियो है, वो बेचारे ठंडे के दिन में गिरे, किसी के सर में चोट है, किसी के हाथ में चोट है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। और महीनों से ये हाल है, और ये रास्ता बाबा सिद्धनाथ के मंदिर को जाता है, ये रास्ता सिद्धनाथ घाट को जाता है, ये रास्ता मखदूम शाह आला की मजार को जाता है, ये रास्ता यहाँ पे कब्रिस्तान को जाता है। यहाँ पे कम से कम 300-400 फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे लाखों लोग इस रोड से आते जाते हैं, उनकी जान का कोई किसी को परवाह नहीं, ये जानना चाहते हैं हम। उसी के उपलक्ष्य में गड्ढा खनना जो गड्ढा हुआ है, इसी के लिए आज इनके लिए केक काटा गया। और योगी जी को बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं योगी जी को कि आपने पूरा गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया, उसके लिए आज माननीय योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। किसी अधिकारी को आपने संपर्क किया? GM जल कल से भी बात हुई हमारी, फोन कर रहे तो उठाया नहीं, फिर बोले मैं देखता हूँ, बताइए इतनी बड़ी घटना है, बोलते मैं देखता हूँ। नमामि गंगे वाले से बात की, उन्होंने बोला कि ये लीकेज है, नमामि गंगे में शुक्ला जी थे जो यहाँ काम कराते, उन्होंने बोला कि मैंने जल संस्थान को अवगत करा दिया है, ये जल संस्थान का लीकेज है।